너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 Hello sweet fam, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you are watching me for the very first time, my name is Shweta और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही special glam पीची मेकअप लुक स्पेशली फॉर होली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर जो कि बहुत ही अच्छा रोज़ वाटर है। तो इसे मैं अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी एंड इसे अब्जॉर्ब होने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वैसलीन का ये रोज़ वाटर जेल, बहुत ही अच्छा जेल है। अगर आप लोग ऑयली स्किन टाइप्स हैं, आपको एक मॉइस्चराइज़र चाहिए फॉर लाइक लाइट फील करे, तो ये सबसे बेस्ट है। तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मेरा इससे काम नहीं बनता है क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई ज़्यादा है। तो मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। तो इसे भी मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज करते हुए लगा लूँगी। मसाज करते हुए लगाना बहुत अच्छा होता है, उससे आपके फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होती है। तो ऑलवेज़ ट्राई टू मसाज योर फेस, अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगा रहे हो तब भी मसाज कर लिया करो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइन लिप बाम जो कि खादी नेचुरल से है, काफ़ी अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। और फिर हम लोग यूज़ करेंगे वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स प्लम का ग्रीन टी मिस्ट, विच आई ऑलवेज रिकमेंड टू यू गाइज, बहुत अच्छा है, गर्मियों का सीज़न है, ज़रूर ट्राई करो। ब्लू हेवन का ये प्राइमर है जो कि आप लोग सब जानते हैं, सब यूज़ किए भी होंगे। तो इसे मैं अपने फेस पर अच्छे से पहले लगा लूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है एंड लगने के बाद हम लोग अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप में कंसीलर। तो कंसीलर है मेबलिन का फिट मी एंड मेरा शेड है 25 मीडियम। और इसे मैं अपने आईज़ में अच्छे से लगा लूँगी, लाइक ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी सिंपल मेकअप होने वाला है, तो ज़्यादा कवरेज की मुझे ज़रूरत नहीं है। कंसीलर अच्छे से मैंने लगा लिया है, तो इसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी विद दिस पैक ब्यूटी ब्लेंडर। इसकी प्रॉपर रिव्यू मैं लेकर आ रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। तो इसे आप अच्छे से ब्लेंड करिए, मैं यहाँ पे डाइविंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। एज आई ऑलवेज से कि आपको कभी भी ड्रैग नहीं करना है, अच्छे से ब्लेंड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे हल्का हल्का डैब करते हुए यूज़ करें, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसके बाद मैं इसे सेट करूँगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्पिन्स का टिंटेड बीबी पाउडर, तो ये काफ़ी अच्छा पाउडर है एंड 10 रुपीज़ में आ जाता है। लूज़ पाउडर में मेरे पास यही था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया, आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। आज आई शेडो एंड फेस मेकअप के लिए मैं मालो का ये फेस पैलेट यूज़ करने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आया था, रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा इसी से सारा मेकअप कर लेते हैं। इसमें सब है, ब्लश, कंटूर, ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, एवरीथिंग। एंड सबसे अच्छी बात है कि इससे आप अपना आई शेडो भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 शेड्स यूज़ किए हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। एंड इसे मैं जैसे जो लाइट है उसे मैंने पहले यूज़ किया, फिर डार्क, फिर उससे थोड़ा डार्क एंड इसी से लास्ट में मैंने ये शिमर लगा लिया है एंड मेरा आई मेकअप हो गया है, दैट्स इट। मैंने और कुछ भी नहीं किया है। फिर नीचे मैंने ये शिमर शेड लगाया है एंड दिस आईलाइनर, एंड उसके बाद मेरा मेकअप हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा ग्लिटरी है एंड अच्छा है। ये मैंने एक लोकल ब्यूटी स्टोर से ख़रीदा था तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है वेगा का आईलैश कर्लर एंड सम मस्कारा फ्रॉम मेबलिन। मेबलिन मेरा एक बहुत ही फेवरेट ब्रांड है, मुझे उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल भी होते हैं। तो दूसरे आई पे भी कर लेते हैं एंड इट्स डन। सो अब फेस का मेकअप करते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मालियो का ही फिट मी फाउंडेशन। यस, मालियो का भी एक फिट मी रेंज है। तो इससे मैं देख सकते हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम सिमिलर शेड है फिट मी मेबलिन के फिट मी फाउंडेशन से। कंसिस्टेंसी, शेड, एवरीथिंग इज़ वेरी मच सिमिलर, बस प्राइस इसकी थोड़ी कम है। और इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मतलब मुझे बहुत कम प्रोडक्ट में काम करना था, मैं बहुत लाइट मेकअप करना चाहती थी क्योंकि ये डे लुक है, तो इसीलिए मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का ब्यूटी ब्लेंडर, काफ़ी लाइट हाथों से मैंने इसे अच्छे से ड्रैप करते हुए ब्लेंड कर लिया है।
सेट करने के लिए अगेन मैं स्पिन्स का बेबी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे स्वेटिंग होती है मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। कम्बिनेशन स्किन की यही तो प्रॉब्लम है कि कोई कोई एरिया में कुछ ज़्यादा ही स्वेटिंग होती है फेस पे, लाइक टी जोन, माउथ एरिया एंड ऑल। तो आई रियली नीड टू फिक्स दैट। एंड ब्लश के लिए मैंने यही पीच शेड यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड है तो काफ़ी नेचुरल फिनिश मिली है। एंड ये जो शिमर डस्ट है इससे मैंने अपनी हाइलाइटिंग कर ली है अपने नोज़ पे, चिन पे, क्यूपिड बो, एवरीवेयर वेर एवर आई नीडेड। इस चॉकलेट ब्राउन शेड की हेल्प से मैंने अपने फेस को थोड़ा सा कंटोर किया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कंटोरिंग मैंने नहीं की। एंड फेस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से मैंने सब कुछ कंबाइन कर लिया है अपने फेस के मेकअप को एंड ये थोड़ी ड्यूई फिनिश देता है। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये मैक का लिपस्टिक जो कि एक ड्यूप है। ड्यूप होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी, मैट और ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी देर तक टिक जाती है, तो आई लव दिस लिपस्टिक। नेक्स्ट मैं आज आपको हेयर स्टाइल भी करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बैक कॉम कर लिया है अपने क्राउन एरिया के हेयर को एंड इसे फिर से मैंने पीछे में कॉम कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं कुछ अटैच करने वाली हूँ, ये जो क्राउन के लिए जो आते हैं ना पफ मेकर्स, तो ये मैंने छोटा सा लिया है, ज़्यादा मुझे हाइट नहीं चाहिए पफ की, तो इसे मैंने अटैच कर लिया है अपने हेयर में एंड इसे मैं अपने हेयर पे रख के फिर हेयर को ट्विस्ट करते हुए पिंस लगा करके सिक्योर कर लूँगी। मैंने ये पफ मेकर इसलिए यूज़ किया है ना कि मतलब जब हम लोग नॉर्मली पफ करते हैं तो जैसे कहीं गए तो हवा की वजह से या किसी वजह से वो पफ थोड़ा हिल जाता है या अच्छा नहीं लगता, जब पफ मेकर यूज़ करते हैं ना तो वो टस से मस होने का कोई चांस ही नहीं होता जो कि मैंने फील किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लॉक्स निकाल लिया है सामने एंड इट्स डन, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। स्टोन की ये बिंदी लगा ली है, ईयरिंग्स के लिए प्यारा सा झुमका जो कि मेरे ही स्टोर नारी नीत से है, आप लोग अगर चाहें तो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं मेरे पेज को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उसके बाद मैंने ले लिया ये पीची दुपट्टा, आज मैं पूरी पीछी पीछी लग रही हूँ, एकदम पिंकिश पीछी न्यूड मेकअप हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप सो कि आपको अच्छा लगे। तो इस होली पे आप लोग दिन में ऐसे रेडी हो सकते हैं, होली की पार्टी होती है अगर वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, हमेशा वाइट कलर में ही रेडी हो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग किसी भी ड्रेस में रेडी हो सकते हैं विच आई फील। एंड अगर आप लोग चाहें तो मैं वाइट ड्रेस के ऊपर भी मेकअप लुक लेकर आऊँगी, सिंपल मेकअप होली पार्टीज़ के लिए, होली फंक्शंस के लिए। तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।